जय गुरुदेव। नारायण रतन ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं लोगों पर रहती है जिसके कारण परेशान रहते हैं या बाधाएं हो सकती हैं। हमसे कई लोग अपनी जन्म पत्री दिखवाते हैं, अपनी फ़ोटो के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। वे किसी न किसी समस्या में घिरे होते हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति पे जो परेशानी से घिरा हुआ है, समस्याओं से घिरा हुआ है, उसको निजात नहीं मिल पा रही है, तो कुछ बातें तो जन्म पत्री से मालूम पड़ती हैं और कुछ उसकी फ़ोटो देखकर मालूम की जाती हैं। कुछ मुख्य समस्याएं इस प्रकार से हैं। पहली होती है ग्रह बाधा, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु से संबंधित हो सकती है। दूसरा होता है योगिनी दशाएं, जैसे संकटा योगिनी, भ्रामरी योगिनी, उल्का योगिनी और पिंगला योगिनी। तीसरा आता है पितृदोष, यानी घर के पूर्वजों का दोष, उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो भी दोष लगा रहता है। चौथा है कालसर्प दोष, जिसमें राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण कालसर्प दोष, एक आंशिक कालसर्प दोष, एक विपरीत कालसर्प दोष। फिर आता है मांगलिक दोष, यदि मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष होता है। फिर आया है घर के प्रेत पितरों की बाधा, शनि की साढ़े साथी या ढैया, वास्तु दोष, वातावरण दोष, किसी की नज़र लग जाती है, जादू टोना टोटका यदि किसी ने किया होता है उस पर, कई बार खाने में सामग्री जिसको दिनाई कहते हैं खिलाई दी जाती है जिसके कारण पेट दर्द और सिर दर्द बना रहता है, कई बार तंत्र मंत्र यंत्र चौकी क्रिया किसी के द्वारा, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ग्राहक, दुकानदार, परिवार के सदस्य के द्वारा कर दी जाती है। कई बार ऐसा होता कि भूत प्रेत, साकिनी, डाकिनी, नाग, पिशाच, कौड़ी, जिन, चुड़ैल, खबीस, बुलाकी बाबा आदि अपने आप लग जाते हैं शमशान में से या चौराहे से, तराहे से। एक और होता है मृत वत्सा दोष। फिर इसके बाद आता है देवी काली, देवी आसमानी, देवी लोहड़ी, देवी विजयशिनी, इनका प्रसाद खाने से कई बार दोष लग जाता है तो उनकी पूजा देनी पड़ती है। किसी देवी देवता पर यदि मन्नत बोल रखी है, वह पूरी नहीं करी है तो वह देवता भी कई बार परेशान करता है और याद दिलाता है। कई बार मशान क्रिया कर दी जाती है, मूठ चला दी जाती है। एक और होता है ब्रह्म दोष, जो कि पूजन स्थल का जाने अनजाने में अपमान होने के कारण लग जाता है। फिर है किसी अघोरी तांत्रिक ने कुछ क्रिया कर दी हो जो कि समझ नहीं आ रही हो, पकड़ में नहीं आ पा रही हो। फिर है गांव के क्षेत्रपाल, भैरव, प्रेतराज सरकार, हनुमान जी से संबंधित समस्या। इसके बाद आता है कि गुरु, माता पिता, देवी, गरीब, असहाय, पशु पक्षी, इनकी हाय लगी हो इस जन्म में या पूर्व जन्म में तो भी काम में अड़चने आती रहती हैं। कई बार कोई व्यक्ति जलन से विद्या बांध देता है मंत्रों के माध्यम से, जिसे मंत्रों के माध्यम से ही खोला जाता है। फिर आता है जमीन, मकान, दुकान के नीचे यदि धन गड़ा है, हड्डी गड़ी है या कोई सिद्ध स्थान है तो भी व्यक्ति समस्याओं में घिरा रहता है। कई बार व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं, जिनकी कोई समस्या नहीं होती, केवल हंसी मजाक करते हैं, और इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है जो यहाँ नहीं बताई गई है। आप इन सबको नोट कर सकते हैं। यदि आपको भी कोई परेशानी चल रही है, बाधाएं चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8109013860 पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी फ़ोटो के माध्यम से, जन्म पत्री के माध्यम से मिल सकते हैं और समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म पत्री नहीं है, जन्म तारीख और समय सही नहीं है तो भी अपनी फ़ोटो के माध्यम से उत्तर जान सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।